नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके बैंक ने DICGC जो कि RBI की सब्सिडरी कंपनी है और इंडिया में सारे बैंक्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कस्टमर के पैसे पे, तो आपके बैंक ने DICGC से इंश्योरेंस खरीदा है या नहीं खरीदा है। कल की डेट में अगर आपका बैंक बंद होता है, RBI आपके बैंक का लाइसेंस कैंसिल करता है, तो उस केस में आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक है, पेमेंट बैंक्स हैं, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट पे बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने DICGC से इंश्योरेंस लिया है लेकिन कस्टमर्स को नहीं पता है कि वो इंश्योर्ड है। तो ये भी एक बहुत गुड न्यूज है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी DICGC के इंश्योरेंस से इंश्योर्ड हैं। बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हैं जो कि DICGC के इंश्योरेंस से इंश्योर्ड हैं, तो वो भी इसी वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से बैंक्स हैं वो जिन्होंने DICGC से इंश्योरेंस खरीदा हुआ है आपके पैसे पे। इसके अलावा ये कैसे जाने कि आपके बैंक ने DICGC के इंश्योरेंस का प्रीमियम देना बंद तो नहीं कर दिया है। ऐसा ना हो कि DICGC का जो इंश्योरेंस था वो लैप्स हो गया है, खत्म हो गया है और आगे आपका पैसा इंश्योर्ड नहीं है, तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो पहले एक बहुत जरूरी बात, मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि DICGC के इंश्योरेंस को लेके सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर की है। DICGC क्या होता है, आपके पैसे पे कितने अमाउंट का इंश्योरेंस होता है, बैंक फेल होने पे RBI अगर लाइसेंस कैंसिल करता है तो उस केस में कितना पैसा आपका सुरक्षित है कितने बैंक्स में, और साथ में कोई भी ऐसी टर्म्स कंडीशन जैसे कि अगर बैंक फेल होता है तो कितने दिनों में आपका पैसा इंश्योरेंस का वापस आ जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से उस DICGC इंश्योरेंस की वीडियो में कवर किया है, तो इसका लिंक भी आप इसी वीडियो के एंड में देख सकते हो। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो DICGC के इंश्योरेंस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आप जान पाएंगे। ये वीडियो या फिर DICGC की वो वीडियो जिसके बारे में मैंने अभी बताया, अगर आपको पसंद आती है शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, और साथ में आप अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए, बैंक से जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं, RBI गाइडलाइंस हैं वो सब चाहिए, या किसी भी प्रोडक्ट जैसे कि पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का वीडियो के नीचे सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके साथ में ही बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहे। तो शुरू करती हूँ ये वीडियो कि DICGC के इंश्योरेंस से कौन कौन से बैंक्स इंडिया में कवर्ड है। गूगल में आप DICGC डालेंगे तो आपको DICGC की वेबसाइट मिलेगी। DICGC की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दिखाई है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो एक कंपनी है, RBI की सब्सिडरी कंपनी है, RBI इसको चला रहा है। और DICGC जो कंपनी है वो इंडिया में जितने भी बैंक्स है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। ये जो इंश्योरेंस है ये कस्टमर के पैसे के ऊपर होता है। तो अगर किसी कस्टमर ने किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है तो उस अकाउंट में जितना भी पैसा है वो इंश्योर्ड किया जाता है DICGC के द्वारा। तो 4 फरवरी 2020 से ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ये 1 लाख से बढ़ के 5 लाख रुपए हो गया है। इसको यहाँ पे देखिए, 4 डिपॉजिटर्स में आपने जाना है, ये आपने जाना है लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स में, कौन कौन से बैंक्स हैं जो इस टाइम इंश्योर्ड है। ये जो लिस्ट है ये अपडेट होती रहती है, ये अभी तक अपडेटेड है, 1 जुलाई 2020 तक की लिस्ट है ये। आप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक देखेंगे तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इस टाइम जो कि इंश्योर्ड है DICGC के इंश्योरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे आप, मैं जल्दी से नाम बता देती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो एड्रेस दिए हैं ये इनके सेंट्रल ऑफिस के एड्रेस है या रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस है। प्राइवेट सेक्टर बैंक 22 बैंक हैं अभी जो इंडिया में इंश्योर्ड है DICGC के इंश्योरेंस के अंडर। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ऊपर यहाँ नाम है एक्सिस बैंक का, बंधन बैंक, सिटी यूनियन, CSB बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक,
एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्या बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, धन लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु एंड यस बैंक लिमिटेड। तो जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं उन पे भी सेम अमाउंट का इंश्योरेंस रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो ज्यादा रिस्क है। सेम इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए का, चाहे आप एक सरकारी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में या फॉरेन बैंक्स मल्टीनेशनल बैंक में। तो मेन जो बैंक्स हैं वो सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी और इवन अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसके क्रेडिट कार्ड्स हम लोग जल्दी यूज करते हैं, तो ये भी इंश्योर्ड हैं। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है फॉरेन बैंक्स की, जो कि आप देख सकते हो, ये सब इंश्योर्ड है डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस से, जो कि 5 लाख रुपए का है। अभी बात है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये है कि ये फिक्स डिपॉजिट पे बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ही अच्छा देते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो जनरली एक फियर होता है लोगों के दिमाग में, डर रहता है कि कहीं ये डूब ना जाए। तो सेम अमाउंट है यहाँ पे इंश्योरेंस का, 5 लाख रुपए तक आपका फिक्स डिपॉजिट का पैसा, आरडी का पैसा या फिर बैंक अकाउंट का पैसा सेफ है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके फिक्स डिपॉजिट पे अच्छे इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उठा सकते हो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, ईएसएएफ, फिनकेयर स्मॉल, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पेमेंट बैंक्स का एट प्रेजेंट पेमेंट बैंक्स का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोग अकाउंट्स खुलवा रहे हैं और ये भी एफडी पे काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। तो इसमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इंडिया पोस्ट का जो पेमेंट बैंक है वो भी इसमें इंश्योर है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एंड एनएसटीएल पेमेंट। इसके बाद है रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसके नाम स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर इसमें से आपको अपना बैंक सर्च करना है तो आप धीरे से इस लिस्ट को, वीडियो को स्टॉप करके भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। वह लोकल एरिया बैंक्स का कोस्टल, कृष्णा एंड सुभद्रा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आप देख लीजिए। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, है काफी लंबी, मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसको चला रही हूँ। आप ये वेब एड्रेस डाल के भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में सर्च कर सकते हो अपने बैंक का नाम।
ये लिस्ट थी काफी लंबी सी लिस्ट जिसमें के सारे बैंक्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो लास्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की लिस्ट है। तो ये आप देखिए कौन कौन से बैंक्स इसके अंडर आएंगे। ये भी बहुत लंबी लिस्ट है तो थोड़ा सा मैं फास्ट इसको चला रही हूँ। यहाँ आप देखिए ये जो LIC ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, ये भी DICGC के इंश्योरेंस से इंश्योर्ड है इस टाइम। आपके बैंक का नाम जो भी है यहाँ पे लेटर्स के अकॉर्डिंग दिया है तो आप इसमें इजीली सर्च कर पाओगे। काफी लंबी लिस्ट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो ये सारे बैंक्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए तो ये लास्ट लिस्ट है। इस लिस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगी अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो वो आप कैसे पूछ सकते हैं DICGC से। इसकी एक ईमेल आईडी है, वहां पे आप मेल कर सकते हो।
इतनी लंबी लिस्ट है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें अपने बैंक का नाम नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको सर्च करके बताऊंगी। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं DICGC के इंश्योरेंस की टर्म्स कंडीशन, सारे हिडन बातें सब कुछ समझना चाहते हैं अच्छे से डिटेल में, तो आप मेरी वो वीडियो जरूर देखें जिसे मैंने DICGC इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में समझाया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम, सबको लेके मैंने वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर आपको अपने बैंक का नाम सर्च करना है, और ये अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि ये इतने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कवर्ड हैं DICGC के इंश्योरेंस से, तो आपका एटलीस्ट 5 लाख रुपए तक का सुरक्षित है। और अगर आप और ज़्यादा सेफ फील करना चाहते हैं, तो आप एक बैंक में 5 लाख रुपए रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है अमाउंट, तो आप दूसरे बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवा के भी रख सकते हो। तो ये थी लिस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो अब मैं बहुत जरूरी बात आपको बता देती हूँ, अगर आपके कोई कंप्लेन है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। ये जो ईमेल है, ये डिप्टी जनरल मैनेजर, RBI के डिप्टी जनरल मैनेजर की है, DGM की। तो आप यहाँ ईमेल नहीं करना है आपको, आप या तो यहाँ पे लिख सकते हो, लेटर भेज सकते हो, या फिर यहाँ पे जो जेनरिक ईमेल आईडी है DICGC@RBI.org.in पे ही आपको ईमेल करना है, और यहीं पे फॉलो अप कर। ये थी मेरी वीडियो DICGC इंश्योरेंस के बारे में, एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें।